हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? अच्छा दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है, कल मैंने एक कमेंट्री पोस्ट पर लिखा था कि मैं बहुत जल्दी एक मैजिकल रीयूनियन मेडिटेशन का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, मेड बाय मी। मैंने खुद उसको एक्सप्लोर किया है और मैं इतने दिन तक अपने क्लाइंट्स के साथ उसको ट्रायल कर रही थी। जब मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले तो नाउ आई थॉट या मेरी रिसर्च पूरी हो गई है और मुझे अब इसको पब्लिक में लेके आना चाहिए, ठीक है। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द एक्लिप्स, कि मैंने कहा था कि उस टाइम पे कोई भी नए अच्छे काम नहीं करने हैं, सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। तो वो एक्लिप्स भी निकल गई है और बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो मेडिटेशन लेके आऊँगी। और जैसे कि मैं कुछ एक्सरसाइजेस उस मेडिटेशन को बताने के पहले अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, वो एक्सरसाइज आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। तो पहले आज मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपको 10-15 डेज इन फॉलोइंग मेरे कुछ 11 पॉइंट्स हैं, 11 एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। बाकी 21 डेज, यू नो कि हमारी हैबिट बनते बनते 21 डेज होता है, तो 21 डेज आपको ये चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो मेडिटेशन आप पे वर्क करेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए जैसे आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको इस प्रकार से खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ से परहेज करना पड़ेगा, इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से मेरा मेडिटेशन मेरी मेडिसिन है और उसके लिए कुछ परहेज पहले आपको जानना ज़रूरी है। सो माय 11 पॉइंट्स आप लोगों को मैं आज बताना चाहती हूँ, ठीक है दोस्तों। नंबर वन पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा कि मेरा मेडिटेशन है, एक मेडिटेशन या ये कहो कि जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं तो ये जो सोल जर्नी मिलती है, ये हमारे एक प्रकार से पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, हमारे सोल की हीलिंग की जर्नी होती है और हमारी सोल की इवोल्यूशन की जर्नी होती है, ठीक है। सोल पर्पस तो खैर होता ही है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारी सोल की हीलिंग, तो हीलिंग के लिए हम लोग हमेशा मेडिटेशन करने को बोलते हैं। अब ये मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्या मेडिटेशन रियली वर्क करता है? देखिए, मेडिटेशन कहिए आप, उसको हीलिंग कहिए आप, या उसको विजुलाइजेशन कहिए, सीधी सी बात है, द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस, हमारी जब हम कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं तो हम एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। और वो और वहाँ जहाँ भी जो भी हमने थॉट क्रिएट किए, इमोशंस क्रिएट किए, ठीक है, तो वेयर आवर इमोशंस गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो इसीलिए हीलिंग्स, किसी भी प्रकार की हीलिंग हो, वो हीलिंग विजुलाइजेशन से वर्क करती है। चाहे आप लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, आप लोग सेल्फ हीलिंग करते हो, जो भी प्रकार की हीलिंग करते हो, वो क्यों हेल्प करती है? बिकॉज यू आर गिविंग एनर्जी, ठीक है। वट एवर थाट्स यू आर क्रिएटेड, वेयर योर थाट्स गोज योर एनर्जी फ्लोज, और फिर वही जहाँ आपकी एनर्जी जाती है, वो एनर्जी डिज़ायर की फुलफिलमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम जो पिक्चर देते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो संकल्प से सृष्टि। आपने जो संकल्प किया, आपने जो पिक्चर बनाई, वो डिज़ायर्ड पिक्चर आपकी सृष्टि, आपकी डेस्टिनी बन गई। दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन, चाहे वो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो, चाहे आपकी सेल्फ हीलिंग हो, चाहे एंजल हीलिंग हो, चाहे एंसेस्ट्रल हीलिंग हो, चाहे वट एवर डीएनए क्लेंजिंग हो, सारी हीलिंग का 100% हमको अपने इस, दिस इज़ अ रीज़न। सो आपको जब मेडिटेशन आप करेंगे तो पहले आपको ट्रस्ट करना है कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे काम करेगा, ठीक है। नंबर टू पॉइंट ये है, क्योंकि आप यूनियन के लिए वो मेडिटेशन करेंगे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि
इस मेडिटेशन के बीच पे जब आपका मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आना चाहेगा तो आपको उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मेरा डीएम आया है, मैं उसको जवाब दूँ या ना दूँ? देखिए, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन आपको खुद समझना है कि जब तक वो इंसान फुल्ली अवेकेंड नहीं है, ठीक है, वो अभी नहीं समझ रहा है इस कनेक्शन को, तो अभी जब तक वो बैलेंस नहीं है और आप बैलेंस नहीं है तो यूनियन कैसे हो सकता है? सिंपल सी इक्वेशन है कि डीएम इक्वल टू डीएफ बैलेंस, ठीक है, इज इक्वल टू यूनियन, राइट? तो जब आप सपोज बैलेंस में हो बट वो बैलेंस में नहीं है, जहाँ तराजू का एक पल्ला नीचे और एक ऊपर है, बैलेंसिंग है ही नहीं, तो यूनियन कैसे होगा? तो आई थिंक आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जब अगर आप बैलेंस में हो गए हो पर अगर आपका डीएम बैलेंस में नहीं है तो यूनियन नहीं हो सकता। तो अभी आपको उसको ज़्यादा वो नहीं देना है, मतलब लाइक पहले की तरह बिहेव नहीं करना है, आपको न्यूट्रल रहना है, बैलेंस में रहना है कि हाँ भाई, ये नहीं कह रही कि ब्लॉक कर दो, बट यस यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, अपनी लाइफ पे फोकस रहिए। वो जब गया था तो वो आपको भूल गया था ना, तो अभी वो आया है तो ठीक है, तो आए हो तो ठीक है, बैलेंस हो अपने आप, लेकिन आपको अपनी लाइफ में फोकस होना है। नंबर 3 पॉइंट, आपको किसी भी हालत में डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब आप लोग कहेंगे, मैम हम क्या करें, हमें डीएम का जो एनर्जी फील होती है उसके कारण से दर्द होता है, हम तो बैलेंस हो गए, हमने तो खूब इनर वर्क किया, बैलेंस हो गए, पर डीएम की एनर्जी हमें दर्द देती है। तो लेट मी टेल यू कि इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने 4-5 वीडियो अपने टारगेट पर रखे हुए हैं। लेट मी टेल यू, डीएम की एनर्जी से कैसे बचें, ये मेरा नंबर 1 वीडियो है। फिर डीएम की टेलीपैथी को कैसे फील करें, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस भी आते हैं, मैम टेलीपैथी कैसे फील होती है, प्लीज़ बताइए, ठीक है? तो डीएम की टेलीपैथी को कैसे फील करें, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, अफर्मेशंस की इम्पोर्टेंस, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स टॉपिक्स मेरे माइंड में है जो मुझे फ्यूचर में बनाना है, बट एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा, तो मैं जितना टाइम निकाल पाती हूँ धीमे धीमे मैं सब पे वीडियो बनाऊँगी, मुझे आप लोग कॉपीट करिए, ठीक है? तो हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है इन एनी हाउ, इन एनी कॉस्ट, ठीक है? उससे बाहर अगर डिप्रेशन आप डिप्रेशन में रहोगे तो आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 हमारा है नो नेगेटिविटी। कितनी भी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है। यू नो, क्योंकि हम लोग ये साधना करते हैं, चक्रास करते हैं, तो जैसे कि हमारे चक्रास हमारे ओपन होते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसके साथ साथ हमारे दूसरी एनर्जीज भी आती हैं, ठीक है? तो समटाइम्स वो आपको नेगेटिविटी फील कराते हैं, या डार्क, उस पर समझ लीजिए कि अब डार्कनेस भी हमारे अंदर आती है, तो डार्कनेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स द लाइट, ओके? तो या फिर आप चक्रास नए कर रहे हो तो आपके इशू सरफेस हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग मॉर्निंग में ही अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की करिए, जिससे कि सुबह की शुरुआत ही आपकी नेगेटिविटी से ना हो। हम लोग सुबह सुबह एंजल प्रोटेक्शन ले लेते हैं, अपना ऑरा लॉक कर लेते हैं, अपना ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपकी दिन की शुरुआत ही बहुत खूबसूरत है तो पूरा दिन हमारा पॉजिटिविटी के साथ बीतता है। अदरवाइज आपके कुछ अदर कमिटमेंट्स हैं अगर लाइफ पे, तो हम उस फिर आगे पीछे कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग टाइम। अब बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस भी इसमें क्लियर हो जाएंगे, कई लोग कहते हैं मैम बेस्ट टाइम कब होता है मेडिटेशन का, हम कब कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को रिप्लाई करने का, तो जो जो मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको इसी में आंसर करती जाऊँगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना ही है, ठीक है? मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कई बार नहीं हर वीडियो में, कि यूनियन आपका हाई वाइब्रेशन में ही रहेगा। जैसे मैंने कहा था, आप तितली की तरह उड़ोगे तभी भंवरा आपके पीछे पीछे आएगा, ठीक है? ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोल पर्पस।
माई सोल पर्पज, माई सोल मिशन, मतलब आपको अपने यूनियन के पहले ही अपना सोल पर्पज स्टार्ट कर दीजिए। मत वेट करिए डीएम कब आएगा तब जाके हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, ठीक है, या अच्छा काम करेंगे, नेक कार्य करेंगे। आज से शुरू करिए, सावन के महीने से शुरू करिए, यहीं से सावन के महीनों से कहते हैं सावन का महीना डोनेशंस के लिए, सावन का महीना दान दक्षिणा सारे पुण्य काम एक अच्छे काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज से ही सोचिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकता हूँ। और सोल पर्पस ये नहीं एकदम से बड़ा ही होना चाहिए, आप छोटे 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 सोल पर्पस से शुरू करिए जो आपको रास्ता दिखाएगा बड़े सोल पर्पस का। बड़ा करने तो हम आए ही हैं, तो वो छोटे 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 इकट्ठा होके बहुत बड़े हो जाते हैं। एंड यू नो हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती है, धुंध आपका हटता है, भगवान आपको वो रास्ता वो GPRS दिखाता है कि आपका सोल पर्पस। ऐसे सब लोग पूछते मैम सोल पर्पस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। सी आप सोल पर्पस सब समझ लीजिए एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो सोल पर्पस जो सब पूरा करते हैं वो एक प्रकार से GPRS होते हैं आपके बड़े सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और बाकी मैं तो हुई GPRS आप लोगों को आपके यूनियन को करवाने के लिए। सच कहूँगी इसी बात से मुझे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ। जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तब मुझे जब मैं इंग्लिश वीडियोस देखती थी तो मुझे नहीं समझ में आता था, तो उनके मुझे कुछ भी सब मेरा ABCDZ तक सब बिल्कुल वो ना वो कौन सी पिक्चर थी तारे ज़मीन के बच्चे के नहीं वो जो ईशान था उसको सारी चीज़ें ABCD सारे अक्षर आसमान में उड़ रहे हैं वैसे लगता था। मैं बहुत कंफ्यूज थी, तब मुझे लगा कि अगर मैं हूँ तो ऐसे और भी इंडिया में भी ट्विन्स होंगे। और तब मैंने ना अपनी ज़बान में अपने तरीके मैंने अपने माय 11 वर्क माय 11 सक्सेसफुल सीक्रेट्स ऑफ ट्विन जर्नी ऐसे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं जाके देखिए। मैंने माय 11 टिप्स माय 11 इनर वर्क इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और सारे वीडियोस भी मैं जितने बनाए हैं वो अपने एक्सपीरियंस पे बनाए हैं। तो मेरा पर्पज़ यही था कि मैं एक साधारण भाषा में आप लोगों को बिल्कुल एक GPRS की तरह कि ट्विन जर्नी में यूनियन आपका वो डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ऐसे मुड़ना है, यहाँ चलना है, एक GPRS बनाया था मैंने आप लोगों के लिए। मैं मतलब GPRS बनाती हुई आ रही हूँ इतने दिनों से, इतने महीनों से, जिसमें कि हमको डिवाइन को अपने साथ रखते हुए सारी चीज़ें हम लोग साथ में ही तय कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर चलिए आगे इसके बाद है, तो आपको सोल पर्पस अपना छोटे छोटे से शुरुआत करनी है, बड़ा आपको डिवाइन ने जो आपके लिए तय किया है वो ऑलरेडी आपके साथ आपके सामने खड़ा करेगा, आपको वो काम करना रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक्सरसाइज कि हमको अपने इश्यूज पर वर्क करना है। देखिए आप मेडिटेशन कर लीजिए पर हम अपने इश्यूज को हील नहीं करते हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं मैम इश्यूज कैसे पहचाने, कैसे हील करें, सेल्फ रिलैक्स। एक तो चक्रास हम लोग को इसीलिए करना पड़ता है, देखिए क्रिएटिव साइड से हम लोग अपना को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं बट उससे हम अपने इश्यूज हील नहीं कर सकते हैं। सो चक्रास एंड मेडिटेशंस आर इम्पॉर्टेंट, जो आके हिडन इश्यूज को पास कर्मास के जो इश्यूज होते हैं सबको सरफेस पे लाके उसको क्लेंस करता है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारे कर्मा क्लेंजिंग चक्रास से होती है, राइट। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक एंजल बनना है। सब लोग मुझे एंजल बोलते हैं, ठीक है, बट हम सबको एंजल बनना है। क्यों बनना है एंजल? एंजल मतलब ये होता है, ये एंजल बनने का जो थॉट होता है ना इस वे टू हील ऑल योर इश्यूज। लाइक अगर आपको एंगर का इशू है, आस्क योरसेल्फ क्या एंजल गुस्सा करता है। अगर आपको जेलसी का इशू है, आस्क योरसेल्फ क्या एंजल जेलसी करता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से रिवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो, क्या एंजल बदला लेता है, नहीं। आप किसी को जज कर रहे हो, क्या एंजल जज करता है, नहीं। आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, क्या एंजल किसी की इंसल्ट करता है, नहीं।
आप किसी को लेट डाउन कर रहे हो, आप किसी का बुरा करना चाह रहे हो, क्या एंजल ऐसा करता है? नहीं। तो सोचिए, आपने एक एंजल बनके अपने सारे इश्यूज खुद ही इतनी इजीली हील कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है मिरर एक्सरसाइज। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। एक रजिस्टर लेके आइए, उस रजिस्टर का जो इस राइट साइड का पेज है या लेफ्ट साइड का पेज है, उस पर अपने पर्सन का नाम लिखिए, ठीक है, और राइट साइड के पेज में अपना नाम लिखिए, और ठीक है। अब आपके पर्सन के जो जो बुराइयाँ हैं ना, जो आपको इतना लोग कर्स करते हो ना, तो कर्स नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं वो सारी चीज़ें लिखिए। वो मुझसे भाग रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे जेलेसी रखता है, या वो मुझे डोमिनेट करता है, वो मुझे मैनिपुलेट करता है, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। और उसकी दूसरी साइड में जहाँ पर आपने अपना नाम लिखा है राइट साइड के पेज में, मैं कहाँ डोमिनेट करती हूँ, मैं कहाँ मैनिपुलेट करती हूँ, मैं खुद से, अगर वो मुझसे रन कर रहा है तो मैं खुद से कहाँ रन कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात, क्या मैं सेल्फ लव करती हूँ? सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, सेल्फिशनेस अलग चीज़ होती है। सेल्फिशनेस में अगर आप बाहर सिखाओगे ना लोगों को सेल्फ लव को, लोग कहेंगे सेल्फ लव करना अच्छी बात नहीं होती, सेल्फिश लोग ही सेल्फ लव करते हैं। देखिए, जो दूसरों का बुरा करके अपना अच्छा सोचे वो होता है सेल्फिश, बट सेल्फ लव मतलब खुद की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। मेरा भगवान मेरे अंदर है, मेरा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मेरा ये शरीर मेरा मंदिर है। मैंने कल कम्युनिटी में रात में पोस्ट डाली थी, हमारा शरीर हमारा मंदिर है, ठीक है। तो इस मंदिर में मेरा भगवान रहता है, और ये भगवान ये शरीर किसी के आगे प्यार के लिए हाथ फैला रहा है? ये शरीर खुद की केयर नहीं कर रहा है? ये शरीर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है? ये शरीर ने अपनी ज़िंदगी को कुछ झंड बना के रख दिया है? ये शरीर डिप्रेशन में है? ये शरीर नेगेटिविटी में है? ये शरीर रो रहा है? ये शरीर सुसाइड कर रहा है? जो भी आप लोग ने अपनी हालत करके रखी है, ये शरीर की ये आपने हालत कर दी है? सोचिए, भगवान को क्या शक्ल दिखाएंगे आप लोग की? आपको एक इंसानी रूप इंसानी शरीर दिया, क्या कर दिया आपने? एनिमल्स में नहीं है ये कि वो अपने सोल को इवॉल्व करके कर्मा क्लियर करके उनको मोक्ष मिल जाए। दिस इज एन बी गेटिंग एन ह्यूमन बॉडी इज एन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व योर सेल्फ एंड गेट मोक्षा, एनलाइटन होना। और आप क्या कर रहे हो? प्यार के लिए हाथ फैला रहे हो, प्यार के लिए रो रहे हो, प्यार के लिए सुसाइड कर रहे हो, प्यार के लिए तड़प रहे हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्या हालत करके रखी है? ज़िंदगी का समय बहुत कीमती है, दिस इज वेरी वैल्यूएबल। आपको पता है कि ज़िंदगी कितनी है? और इतने कम, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम फॉर क्राइंग फॉर समवन। वो आपकी ज़िंदगी में डीएम कब आएगा, फिर कब यूनियन होगा, फिर पता नहीं कितने साल आप उसके संग रह पाओगे, वो टाइम एंजॉय कर पाओगे? वो उस कल के लिए, उस कल के हंसने की खुशी के लिए आप आज का टाइम रो रो के बिता रहे हो? बीइंग अ ह्यूमन, अगर आप लोगों को इतनी सी समझ नहीं है, तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो फिर एनिमल्स होते हैं, राइट? मेरी बात को कोई भी माइंड नहीं करना। मैं आप लोगों के पेंस, आपके कमेंट्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आंसर नहीं करती हूँ, आई एम सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, बट मैं वीडियो में कहीं ना कहीं उसका आंसर दे देती हूँ, ठीक है। मुझे तकलीफ होती है, मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए मैं जल्दी फटाफट ख़त्म करती हूँ। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है, हमको जज नहीं करना है, ठीक है, हमको जज करना बंद करना है। जज क्यों नहीं करना है? जज करने से हमारे कर्मास ख़राब होते हैं। और हमेशा सोचिए कि अगर हम अपने पर्सन को जज करते हैं, हम किसी को जज करते हैं, हम अपने कोच को जज करते हैं, हम अपने कलीग्स को जज करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को जज करते हैं, हम अपनी फैमिली को जज करते हैं, हम कौन से भगवान हैं? ऑलवेज रेज वन फिंगर टूवर्ड्स यू ऑल्सो जब आप किसी को जज करते हो।
कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। अगर वो उसमें कोई कमी है तो हम कौन से भगवान हैं। तो लर्न टू फॉरगिव अदर्स, दूसरों को फॉरगिव करना सीखिए। दोस्तों एक बात बोलूँगी, जो सुंदर वक्त किसी के साथ बीता वो भी निश्चित था, आपने एक बहुत खूबसूरत समय डीएम के साथ बिताया वो भी निश्चित था, और जिसको हम लाइटली लेते हैं ना और समझ नहीं पाते हैं कि वो समय जो हमारी लाइफ में आया था वो निश्चित था, लेकिन जो समय परिवर्तन हुआ है वो भी निश्चित है। तो ये भी स्वीकारना ज़रूरी है। सबसे बड़ा कारण आपकी नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का यही है कि हम स्वीकारते नहीं हैं परिवर्तन को। एक सुंदर वक्त आपके जीवन में आया था वो निश्चित था, जो परिवर्तन आया है वो भी निश्चित है, और परिवर्तन का कारण भी निश्चित है। अवेकनिंग शुरू होती है तो हम महसूस करते हैं एनर्जी क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, मिरेकल्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती है। पर बैलेंस होने पर क्या होता है, हम फिर से लॉजिकली सोचने लगते हैं। ठीक है, इसलिए फिर हमको झटके लगते हैं, फिर हम पे ट्रिगर्स होते हैं, फिर हम पे अटैक होते हैं। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का दामन नहीं छोड़ना है। आप ट्विन जर्नी में हो ना हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो ही, तो स्पिरिचुअलिटी का दामन कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, आप हर दिन जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई थी, जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई थी तो आपने कुछ सवाल सोचे थे, आपको कुछ उसके उत्तर मिले थे, आपने उनके उत्तर ढूंढे थे शुरुआत के दिनों में, याद कीजिए उनको। रोज़ याद रखिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा मकसद क्या था। ठीक है, और जो भी आपके साथ बुरा हुआ वो आपके साथ क्यों हुआ, क्यों आपको ये दर्द मिला, ठीक है, ये दर्द से आपने क्या जाना, ये दर्द से आपने क्या सीखा। ठीक है, और इस दर्द के से बाहर निकलकर आपने क्या पाया। ये सबसे जो लास्ट की मेरी ये 2-3 लाइन है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए। इस लाइन को आपको रोज़ याद करना है, सोचना है। अब अगर ये मेरा वीडियो, मैं यही ख़त्म करती हूँ। ठीक है, इनमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं, जो मैंने आपको लर्न करने को बोला है, अगर आप 21 दिन तक इन चीज़ों पे रोज वर्क कर रहे हो और आप कहते हो यस मैम आई एम फाइंडिंग चेंज, तब मैं आपको मिराकल मेडिटेशन बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि तब आप उस मेडिटेशन को करने के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनिए। ये वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी हीलिंग मिलने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। और प्लीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर किया करिए। गॉड ब्लेस।